जनाब, पाक की सरजमी से फोन है। जी जनाब, यहाँ के हालात बहुत नाजुक हैं। हिंदुस्तान की नई सरकार ने नाक में दम करके रखा हुआ है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम हिंदुस्तान की बर्बादी जल्द ही मुकर्रर करेंगे। खुदा हाफिज़। कुवैत? जी जनाब। क्या हुआ, परवेज़ अभी तक नहीं आया? नहीं जनाब। परवेज़ आ गए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। क्या हुआ परवेज़ मियाँ, काम मुकम्मल हुआ कि नहीं? नहीं जनाब, बाहर काफिरों ने चलना मुश्किल किया हुआ। जगह जगह पर हिंदुस्तान की फौज दीवार बनकर खड़ी हुई है। ये लोग कितना भी चालाकी कर ले, मगर जब तक हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में घुसे हमारे टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते हैं, तब तक हिंदुस्तान बर्बाद होता रहेगा और हम करते रहेंगे। तुम ऐसे लोगों को इकट्ठा करो जो बहुत गरीब हो, जो मजबूर हो, ताकि हम उनकी मजबूरी का फायदा उठा के जिहाद की मजबूती में तब्दील करें। जी जनाब, आप सही कह रहे हो। मैं ये काम अभी से ही शुरू कर देता हूँ। जी जनाब। भाईजान, अहमद भाईजान आए हैं। तू चल, मैं आता हूँ। सलाम अहमद भाई, सब खैरियत तो है ना? कुछ खैरियत नहीं है भाईजान, अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। घर में राशन लेने के लिए भी पैसे नहीं है। कुछ लोगों से उधार मांगा तो वो लोग ने भी देने से मना कर दिया। भाईजान, वही हाल अपने घर का भी है। छोटे भाई का ऑपरेशन करवाना है, लोगों से कर्ज तक लेके रखे हैं, रोज फोन पे फोन आते हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, अब तो अल्लाह ही मालिक है। सही कहा आपने भाईजान। अच्छा ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। अगर मुझे नौकरी मिली तो मैं आपको बता दूंगा। खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह अगर तुम दोनों इसी ईमानदारी से काम करते रहो तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान की इस धरती से हम काफिरों को हमेशा के लिए मिटा दें। ऐसा ही होगा जनाब। हमने दो लड़कों को नौकरी देने के बहाने बुलाया है, बस थोड़ा ब्राइन वॉश करना पड़ेगा। लगता है वो लोग आ गए। हेलो, हाँ अंदर आ जाओ। सलाम जनाब। सलाम जनाब, हम तो यहाँ नौकरी के लिए आए थे। हमें लगा यहाँ ऑफिस होगा, पर ये तो खंडहर है। ये खंडहर नहीं है बरखुरदार, ये जन्नत में जाने का दरवाज़ा है। जनाब, हम जन्नत जाने के लिए नहीं, नौकरी के लिए आए हैं। मिलेगी तुम्हें नौकरी,
अल्लाह की नौकरी मिलेगी तुमको। अल्लाह ने तुम्हें पाक काम के लिए चुना है। अल्लाह के बताए रास्ते पर चलो, अल्लाह तुम्हारी हर तकलीफ तुमसे जुदा कर देगा। जनाब साहब साहब बताइए हमें करना क्या होगा? तुम्हें जिहाद के लिए सबको तैयार करना होगा, उनसे जिहाद के लिए फंड जमा करवाना होगा। जिहाद? जिहाद मतलब आतंकवाद? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें नहीं चाहिए नौकरी। ये आतंकवाद नहीं है, ये जिहाद है। हमारे साथ शामिल हो जाओ, आप मालामाल हो जाओगे। परवेज भाईजान सही कह रहे हैं, ये तो अल्लाह का काम है। तुम खुश नसीब हो जो अल्लाह ने तुम्हें इस काम के लिए चुना। सोच कर शामिल हो जाओ इस जंग में, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के खिलाफ। आपको आपकी जंग मुबारक हो जनाब। मेरी जंग हिंदू या मुसलमान के खिलाफ नहीं, इंसानियत के लिए है। हेलो हेलो रेहान, रेहान कहाँ है तू? तेरे भाई की तबीयत बहुत खराब है बेटा, मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गई थी और डॉक्टर ने कहा तुरंत ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन पैसे ना होने की वजह से उन्होंने हमें निकाल दिया। बेटा कुछ कर, कुछ कर बेटा, कुछ कर वरना तेरा भाई मर जाएगा। बेटा कुछ कर, कुछ भी कर। अम्मी आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं भी आता हूँ। भाई मेरे छोटे भाई की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। भाईजान फैसला तुम्हारे हाथ में, अगर तुम अपने छोटे भाई की जान बचाना चाहते हो तो हमें इन लोग की बात मान लेनी चाहिए। क्या हुआ, आपके छोटे भाई की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है क्या? हाँ, आपको कैसे पता? हमें सब पता है, ये सब छोड़ो, तुम चाहो तो ये पैसे ले जा सकते हो, लेकिन तुम्हें आज से ही हमारा काम शुरू करना पड़ेगा। सोच कह रहे हो बच्चे, पैसे लो और घर जाओ। घर जाने के बाद तुम्हारे पास एक एड्रेस आएगा, उस एड्रेस पर जाकर तुम्हें एक बैग लाना होगा। और हाँ बच्चे, तुम्हें अपना हुलिया बदल कर जाना होगा ताकि तुम किसी और मजहब के लगो और तुम्हें कोई ट्रैक ना कर पाए। ये लो गन तुम्हारी हिफाजत के लिए, ये लो चाबी, बाहर मोटरसाइकिल खड़ी है, उसे लेके जाना। रेहान भाईजान आप बैग देकर आइए, मैं आता हूँ थोड़ी देर। जी मैम। हेलो अब भाई कैसा है? ठीक है, हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। अच्छा सुनो,
हाफिज 2611 जैसे हमले को फिर से दोहराने के फिराक में है और ये जल्द ही होगा। आपका दिमाग खराब हो गया क्या अहमद? कैसी बातें कर रहे हो? क्या अब हम अपने ही लोगों का खून बहाएंगे? मैं कल ही पैसों का बंदोबस्त करके उसके मुंह पे मारूंगा। मुझे अपने देश के खिलाफ नहीं जाना। इस देश की मिट्टी ने हमें क्या कुछ नहीं दिया और आज ये लोग इसी को बर्बाद करने में लगे हैं। इसी देश की मिट्टी में पैदा हुए, खेला खाया, बड़े हुए और आज मैंने भी किसी अपने के लिए अपनों का खून बहाने निकल पड़ा। मजहब के नाम पर क्या कुछ नहीं झेला मेरे देश ने। अगर जिन्ना ना होता तो पाकिस्तान ना होता, और पाकिस्तान ना होता तो आतंकवाद ना होता, और आतंकवाद ना होता तो आज हम सब बैठकर एक ही क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, अपने चंद्रयान 2 की खुशी एक साथ मनाते हैं। लोग बोलते हैं आतंक का कोई मजहब नहीं होता है, मगर सच तो ये है कि मजहब के लिए एक पूरा देश बन गया। बहुत अच्छा किया अहमद आपने अपने ही लोगों का कत्ल करके। मैंने मना किया था ना, क्यों ना आतंकियों का साथ मत देना। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी और ये अल्लाह का नेक काम है। नेक काम तो हाफिज ये काम खुद क्यों नहीं करता? आज तक देखा है आपने किसी आतंकी सरगना को सुसाइड बॉम्बर बनते हुए? आखिर क्यों इन आतंकियों और नेताओं के बच्चे किसी आतंकवादी हमले में नहीं मारे जाते? रिहान तुम समझ नहीं रहे हो, जब बात मेरे देश की आएगी ना तो मैं समझूंगा नहीं, सिर्फ समझाऊंगा। आ जाना अपने आका के जनाजे को कंधा देने के लिए। बड़ा देशभक्त बन रहा है ना तू? कल तू जो बैग लेकर आया था उसी में ये आरडीएक्स थे, उसी से ये ब्लास्ट हुआ। उसी गद्दारी की सजा लेने भी जा रहा हूं और देने भी। तूने उन निर्दोषों को मार के अच्छा नहीं किया, आखिर क्या गलती थी उनकी? ये कैसी बात कर रहे हो तुम? हमने सिर्फ काफिरों को मारा है। जब बारूद फटता है ना तो मजहब नहीं देखता, सब तबाह कर देता है। ओए, अपनी हद में रे। जब एक घटिया आतंकवादी और एक हिंदुस्तानी बात कर रहे हो ना तो बीच में कुत्तों को नहीं रहना चाहिए। तो कितनी भी कोशिश कर ले हिंदुस्तान की धरती से खास तो नहीं कर सकता। नमस्ते क्या जो अपने देश पर कुर्बान ना हो सके? जो तू कर रहा है वो जिहाद नहीं है, जिहाद तो मैं करूंगा। तू जो कर रहा है उसे आतंकवाद कहते हैं। और सुन, जन्नत में अगर हूरे मिले ना तो उनसे दो चार हमें भी पार्सल करवा देना।
माफ कर देना भाई, मुझे मेरे फर्ज ने मजबूर कर दिया था। एक बार गले तो लगा ले मेरे भाई। माफ करना, मुझे भी मेरे फर्ज ने मजबूर कर दिया। अगर तू पैसों के लिए देश की गद्दारी कर सकता है तो मैं देश के लिए दोस्त से गद्दारी तो कर ही सकता हूँ। और मुझे भी मेरे देश का कानून सबके लिए एक है। भारत माता की जय। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। मत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की।